सो फ्रेंड्स, आज हमें परिफिश एक्वेरियम के फर्स्ट शॉप में, जहाँ पे हम आफ्टर लॉन्ग टाइम विजिट कर रहे हैं, आज हमारे साथ में है आरी भाई, जो कि हमें बताएंगे कि इनकी शॉप में कौन कौन सी नए फिश का स्टॉक आया है। चलिए तो जानते हैं आरी भाई से क्या कुछ नया है इस शॉप में। तो आप लोग का सबसे पहला स्वागत करूँगा मेरे फर्स्ट वाली पर एक्वेरियम शॉप का शॉप में। तो आप लोग आज मेरे पास, अभी यहाँ पे जो छोटी दुकान है मेरी, जो बड़ी दुकान रोड पे है, ये छोटी दुकान अंदर है मेरी गली में। सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से हुआ था मेरा, जो मेरा जो दौर चला था यहीं से चला था। ये मेरे गरीबी का दौर है, यहीं से स्टार्ट हुआ था। मैं यहाँ से मैंने वीडियो बनाना चालू किया था। तो इसके अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा मेरे पास यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज़ है। काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि भाई आजकल आप वीडियो नहीं बना रहे हो, और अंदर की दुकान का वीडियो मैंने डाला नहीं था, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आज यहाँ का वीडियो डाल रहा हूँ अंदर शॉप का, मेरे छोटी शॉप का। तो स्टार्टिंग करते हैं फाइटर से। फाइटर का कलेक्शन है मेरे पास, वो स्टार्टिंग में आपको उसके प्राइसेस बता। तो आरिफ भाई, आपके पास में फाइटर फिश का ऑलवेज ही बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन रहता है, इस बार भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे मेरे पास मोन्टेल्स का बेटा कलेक्शन है यहाँ पे। तो अब मेरे पास वैरायटीज है इसके अंदर, एलिफेंट ईयर, प्लकट और फीमेल्स भी है मेरे पास इसके लिए। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन लोग का रेंज बताया था 150 to 250 के रेंज में आएगा आपको। तो ये वाला प्लकार्ड है ना आरी भाई? हाँ, ये प्लकार्ड है, आपको नजर आ रहा है, चाइन प्लकार्ड, अच्छा क्वालिटी का। तो आरी भाई, यहाँ पे बेटा में फीमेल भी दिख रही है आपके पास में? बेटा की फीमेल्स है मेरे पास। यहाँ पे बहुत लोगों की डिमांड है कि फीमेल्स है। बीच में थोड़ा सा माल स्टॉप हो गया था, यहाँ पे बॉम्बे में माल आना बंद हो गया था, तो वो हिसाब से भी वापस से स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा पटरी, मतलब गाड़ी पटरी पे आ रही है, तो अभी फीमेल्स भी अवेलेबल है, तो मतलब आ चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे फीमेल मेरे पास 150 to 100 रुपीज़ के रेंज में मेरे पास फीमेल है। तो अरे भाई, यहाँ पे डिस्कस भी दिख रहा है अपने पास में, इनका कैसा प्राइसिंग है? ये मेरे पास डिस्कस थोड़े अच्छे क्वालिटी के हैं, तो ये वाले आपको 800 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलेंगे, मतलब 1600 रुपये जोड़ी में आपको ये डिस्कस मिल जाएगा। तो आरी भाई, यहाँ पे भी डिस्कस का कलेक्शन दिख रहा है आपके पास में, ये कौन से टाइप के है? ये 3.5 इंच के साइज के डिस्कस है मेरे पास, मेरे अंदर की शॉप में। ये आपको ये 1400 to 1300 पर पीस के हिसाब से मिल जाएंगे। 1400 रुपीज पर पीस, पर पीस के हिसाब से। अरे भाई, यहाँ पे भी ऑस्कर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा क्वालिटी का दिख रहा है, ये कौन से टाइप के है? ऑस्कर में ये इम्पोर्टेड मोज़ेक ऑस्कर है। इसके अलावा मेरे पास मैंगो ऑस्कर भी है, और अभी फिलहाल इस प्रेजेंट में ये येलो वाला दिख रहा है। हाँ, मैंगो ऑस्कर है ये। ओके, लेमन येलो ऑस्कर बोलते हैं वो वाला है, और थोड़ा सा माल आने का बाकी है अभी। इस प्रेजेंट में अभी मेरे पास जितना है अभी फिलहाल में, तो वो वाला फिश मेरे पास अवेलेबल है। तो इनका कैसी प्राइसिंग है अरे भाई? ये वाले आपको 400 to 500 रुपीज़ पैर में मिल जाएंगे। 400 to 500 रुपीज़ पैर में मिल जाएंगे ना। और इसके बाद जो मैं पैरट फिश दिख रहा है भाई, यहाँ पे पैरट है, आपको 300 रुपये पर पीस के हिसाब से रेड पैरट मिलेगा। हार्ट शेप पैरट लेंगे 350 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलेगा। 700 रुपये से लेके 600 रुपये पैर के हिसाब से आपको पैरट मिल जाएगा। ओके आरी भाई, ये जो पैरट फिश है, इसको किसके साथ में रख सकते हैं? सभी पैरट एक एग्रेसिव वैरायटी चिकलेट फैमिली से आता है, तो आप लोग को ये बता दूंगा, आप ऑस्कर के साइज में अगर आप डालना चाहते हो तो आपको ऑस्कर बड़ा साइज का चाहिए। अगर आप ये साइज के बाजू वाली जो साइज है इसके साथ में पैरट डालेंगे, तो ये पैरट ऑस्कर को मार डालेगा। ओके ओके, तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है, आपका ऑस्कर का साइज़ बड़ा चाहिए। मिनिमम एक 8 इंच का ऑस्कर रहे या 6 इंच का ऑस्कर रहे, तो बड़े साइज़ में आप उसको पैरेट डाल सकते हैं। तो अगर आपको पैरेट ऐड करना है, आपने चाहे आपको पैरेट डालना है, पैरेट के साथ मच्छी रखना है, तो आप फिर इसके अंदर डाल सकते हो चिकलेट फैमिली। ओके ओके, चिकलेट फैमिली में। हाँ, चिकलेट फैमिली में जैसे एग्जाम्पल आप वीएजा वगैरह डाल दिए, वो चल जाएगा इसके अंदर, या फिर अफ्रीकन चिकलेट डाल दिए, वो चल जाएगा। अरे भाई, यहाँ पे ये पैरट्स है, ये कौन से टाइप के पैरट्स है? ये थोड़े बड़े साइज के पैरट है मेरे पास। ये मतलब इसके अंदर रेड रेड गोल्डन और ये वाइट कलर का पैरट है इसको, और दूसरे वाला जो बड़े साइज के, ये देखेंगे यहाँ पे हार्ट शेप पैरट है, और यहाँ पे देखेंगे बड़े साइज के पैरट है। ये 450 पर पीस के हिसाब से आपको पड़ेगा, 900 रुपये जोड़ी में। अलग टाइप्स के पैरट है, नॉर्मल पैरट के मुकाबले में अलग है, इसका थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, थोड़े से महंगे पड़े मुझे इसके लिए, आपको 900 रुपये पैर में पड़ेगा। okay. इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे बड़े साइज के पैरट है, ये मेरे से सेल हो चुके हैं। मैं ये तमिलनाडु भेजने वाला हूँ, तो इसका प्राइस नहीं बताऊँगा आप लोगों को, ये मैंने दे चुका हूँ, बेचा हूँ, ये 4 पीस मेरे से सेल हो चुके हैं। ओके, यानी लेट हो गए हम। नहीं, एक्चुअली क्या हो गया, आज ही मेरा डील हो गया, ये तमिलनाडु देना है मुझे ये। एक हमारे फ्रेंड है, उनको दिया हूँ मैंने, मतलब जो हमारे खरीदार है, हॉबिस्ट है, उनको दिया हूँ मैंने, तो भेज दिया। ओके, इधर है हमारे पास में।
ये वाले फिलहाल में है, इंशाल्लाह अगर आएंगे तो नेक्स्ट वीक तक मंगाता हूँ। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ये मंगाना मेरे को ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा सा डिफरेंट कलर में अगर किसी को चाहिए, रेगुलर में अगर ये वाला रख रहे हैं रेड वाला और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए तो वो लोग ये वाला बाय कर सकते हैं। ये एकदम कॉमन है, वो थोड़े हटके है तो कुछ अलग कुछ पैरेट का, हाँ कॉम्बिनेशन है पैरेट का। अगर उसमें लेंगे तो आप, अगर पूरा कोई बाय कर देगा तो फिर उसके रेट वैसे चेंज कर दूंगा। अगर उनका टैंक है 2-3 फीट का टैंक है, 3 फीट का टैंक है, तो उनके लिए पैरेट बेस्ट है, बड़े साइज तक रहेंगे उसमें। अरे भाई यहाँ पे भी ऑस्कर फिश का कलेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे जो ऑस्कर आपको नजर आ रहे हैं ये 250 रुपये पैर में आपको मिल जाएगा, 125 पर पीस के हिसाब से। ओके, ओनली 125 रुपीज पर पीस, क्वालिटी बहुत ही प्यारा दिख रहा है भाई। ये टाइगर ऑस्कर है, इसके अलावा यहाँ पे बाजू में जो है अल्बिनो टाइगर और रेड ऑस्कर है फायर रेड, ये भी आपको 250 रुपये जोड़ी में मिलेगा। मिक्स है इसमें, मिक्स है, 250 रुपीज पर पीस, 2-2.5 इंच साइज है इसका, बहुत ही प्यारा। ऑस्कर का तो ऑलवेज ही अपने पास कलेक्शन रहता है, ऑस्कर का सेकंड शॉप में भी कलेक्शन है, बड़ा साइज का भी वहाँ पे और दूसरा वैरायटी भी ऑन द वे, मतलब आता रहेगा, हफ्ते भर 2-3 दिन में आ जाएगा। ओके अरे भाई, अरे भाई यहाँ पे जो फ्लावर हॉर्न है उसका बहुत ही प्यारा सा क्वालिटी दिख रहा है, ये कौन से टाइप के फ्लावर है? ये फ्लावर मेरे पास अच्छे क्वालिटी के ए ग्रेड के पैरेट फ्लावर नहीं है, तो बहुत से लोगों का सवाल है कि ए ग्रेड और बी ग्रेड और सी ग्रेड क्या होता है, तो मैं आप लोग को वीडियो के अंदर ही बताऊँगा। यहाँ पे देखेंगे, आ जाइए आगे साइड में, हाँ यहाँ पे दिख रहा है अभी, हाँ ये भी फ्लावरन है और इसके बाजू में यहाँ पे देखो ये भी फ्लावरन है। ओके, पब्लिक को लगता है भाई 1000-1200 रुपये का फ्लावरन मिलता है, 800-900 का फ्लावरन मिलता है, मैं आप लोग को बता दूँ ये कैटेगरी और ये कैटेगरी में डिफरेंट, देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अभी यहाँ पे, देखिए देखिए फ्लावरन दोनों है बट क्वालिटी का डिफरेंट है। ओके, बहुत से लोग बोलते हैं भाई हाँ ये अभी क्या है, थोड़ा नवा माल आया है, कंडीशन अच्छा नहीं है, ये बाद में ऐसा हो जाएगा, ऐसा होएगा, वैसा होगा, कुछ नहीं होता ऐसा। जेनेटिक है ये, माँ बाप पेरेंट जैसे रहेंगे ना उसी टाइप से मच्छी और बच्चे डेवलप होते हैं आगे चल के इन फ्यूचर में। तो मेरे पास इसके अंदर प्राइस स्टार्टिंग में आप लोगों को बताऊँ 1500 रुपये से स्टार्ट है फ्लावर, 1500 रुपये से स्टार्टिंग, 1500 रुपये में जो आते हैं बी ग्रेड से लेके सी ग्रेड वाले भी आते हैं, तो उससे स्टार्टिंग है मेरे पास 1500 से लेके मेरे पास 1800-2000 तक के फ्लावर है। और अरे भाई फ्लावर के साथ में हम कौन सा फिश रख सकते हैं? फ्लॉन में ओनली फॉर आपको सकर रख सकते हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है भाई आपने रखा हुआ है ना, हाँ सकर का मिनिमम, बट इसका साइज बड़ा रहना चाहिए सकर का, मिनिमम एक 4 इंच का 5 इंच का सकर चाहिए। अगर छोटा साइज का सकर रखेंगे तो वो मार डाला फ्लॉन। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना है, हाँ ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आप जो साइज डाल रहे हो ना आप लोग को देखना है छोटा। बहुत से लोग होते नहीं भाई छोटा सकर दे दे मेरे को, छोटा नानू वाला 30 रुपये वाला 40-50 रुपये वाला, वो सकर नहीं रहता, सर्वाइव नहीं करता है। तो आप लोग देखो कि बड़ा साइज का डालो, क्या है बड़ा साइज का सकर आप इसको पैरेट में भी डाल सकते हो, ऑस्कर में भी डाल सकते हो, चिकलेट में भी डाल सकते हो। ओके, बड़ा साइज का, बट छोटे साइज के सकर आपके काय में चलेंगे, गोल्ड फिश में चलेगा आपको, या फिर आप डॉलर या ट्रॉपिकल मच्छी में आप उसको डाल सकते हो। फ्लॉन दिख रहा है ये, इनका कैसा प्राइस? ये वाला भी 1500 रुपीज में आएगा। ये देखो इसका हेड और इन लोग का हेड, ये डिफरेंट है, टाइप्स में डिफरेंट है। ओके, बहुत ज्यादा डिफरेंट। काला शार्क दिख रहा है, यहाँ पे वाला शार्क है, थोड़ा बड़ा साइज का है, 4 इंच का साइज है इसका, तो आपको 250 पैर में आ जाएगा, 250 रुपये से 300 रुपये पैर में आ जाएगा, साइज डिफरेंट है, छोटा बड़ा दोनों इसमें। इसके अलावा पिकऑफ बास है इसके अंदर, पिकऑफ बास मेरे पास समथिंग आपको आ जाएगा मतलब एक 600 रुपये पर पीस के हिसाब से आएगा, 1200 रुपये पैर में आपको मिल जाएगा। पिकऑफ बास का साइज मेरे पास मिनिमम 4 इंच का साइज है ये। ओके, तो आपको 1200 रुपीज में आएगा, बहुत ही प्यारा दिख रहा है भाई। पिकॉक बास अरे भाई मॉन्स्टर फिश में कंसिडर किया जाता है ना? मॉन्स्टर फिश है, ये लाइव फिश वगैरह खाता है। एग्जांपल बहुत से लोगों को शौक होता है जिंदा मच्छी डालने का, उन लोगों के लिए बेस्ट है मॉन्स्टर ही, बट आप इसको ऑस्कर और चिकलेट के साथ में डाले तो बेस्ट है, क्योंकि अगर ऑस्कर और चिकलेट के साथ में डालेंगे तो इसको डैमेज कर देंगे। आप अगर इसको अरवानस के साथ में रख सकते हो या जियोफेगस वगैरह वैरायटी आपके पास है तो। अरे भाई ये वाला दिख रहा है अरवाना गोल्डन आईबैक है, गोल्डन आईबैक 8000 रुपये में आपको आ जाएगा, ये वाला 8000 में सर्टिफाइड है ये। ओके, और ये पिकॉक बास की वैरायटी है, पिकॉक बास आपको आ जाएगा ये 200 इंच में, इसका साइज मिनिमम 2 इंचेस का साइज है, तो आपको 200 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ेगा, मोनोकुलेशन कैलिबेरी दोनों मिक्स है इसके अंदर। ओके, यानी किसी को अगर मॉन्स्टर फिश कम प्राइस में पिकॉक बास अगर बाय करना है तो वो आपको कम रेट में यहाँ पे मिल जाएगा। अरे भाई यहाँ पे क्लाउन लोचेस भी दिख रहा है, क्लाउन लोग 3 इंचेस के साइज़ है ये, क्लाउन इंच का 3 इंच का साइज़ है लोग का, तो ये आप लोग को पड़ जाएगा 300 रुपये पर पीस के हिसाब से, 300 रुपीज़ पर पीस। तो यहाँ पे कलरफुल गप्पीज़ का कलेक्शन दिख रहा है आपके पास में? यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स वैरायटी में गप्पी है मेरे पास, मतलब
सब वराइटीज़ के अंदर, मतलब जैसे कि बहुत से लोग बोलते ब्लू वाली, रेड वाली, या बहुत टाइप की क्रॉस में निकाली हुई अदर वराइटीज़ में ये गप्पी है, तो डजन मिलेंगे 300 रुपये में, मेल और फीमेल दोनों बहुत है इसके अंदर। अगर आप स्टार्टिंग ब्रीडिंग करना चाहते हो, अपने नया नया आपको ब्रीड करना है, तो आप इसको ले जाएं और इसको इजीली छोटे टाइम में, या फिर आप ब्रीडिंग करना सीखना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। तो आरी भाई यहाँ पे भी गप्पी फिश का कलेक्शन दिख रहा है आपके पास में ब्लैक में? हाँ, ब्लैक गप्पी है, मेल फीमेल दोनों है इसके अंदर। तो ये अगर आप लेना चाहते हो तो मेरी शॉप पे विजिट करिए, मैं यहाँ पे आपको डजन पे भी मिलता है और पेयरिंग के हिसाब से भी मिलता है। अगर आप पेयरिंग खरीदना चाहते हो तो आपको 150 रुपये पेयर के हिसाब से मिल जाएगी। बड़ी साइज है, एडल्ट है ये, मेल और फीमेल दोनों मिल जाएगा आपको। बट आपको ये जो कपीज है आप डजन में लेना चाहते हो तो आपको प्राइस थोड़ा सा कम लग जाएगा, कम हो जाएगा, डजन के प्राइस डिफरेंट होते हैं। और अरे भाई इसमें एक फीस दिख रहा है, इलेक्ट्रिक ब्लू रैम से है। ओके, इनके कैसे प्राइसिंग आ रही है? एक इलेक्ट्रिक ब्लू एंड जनरल रैम्स, दोनों रैम्स है इसके अंदर, अच्छे क्वालिटी के रैम्स है, आपको नजर आ रहे वीडियो के अंदर आप देख रहे हो। तो ये रैम जो है मेरे पास 350 रुपीज़ पैर के हिसाब से आएगा, 350 रुपीज़ 175 पर पीस का हिसाब है, 350 रुपये पैर में आएगा। इसके अलावा आप अगर छोटा रैम्स लेना चाहते हैं तो वो भी है, इसके थोड़े से कलर डार्कनेस ज़्यादा है जर्मन के अंदर मेरे पास, क्वालिटी थोड़ा अच्छा है। इसके अलावा हल्के रैम्स भी है मेरे पास, अगर आप हल्का चाहते हैं तो हल्का भी आपको मिल जाएगा। तो आरी भाई ये वाले रैम फिश की बात कर रहे थे आप? हाँ, ये वाले मेरे पास थोड़े सस्ते वाले 300 रुपये जोड़ी के हिसाब से मिलेगा। ओके, 300 रुपीज़ पेयर। और इसमें भी टेट्रास का कलेक्शन दिख रहा है आरी भाई? यहाँ पे जो आपको ज़्यादा ग्लो कर रही है, जिसका ज़्यादा कलर लाल नज़र आ रहा है, वो वाली मेरे पास एम्बर टेट्रा और कार्डिनल टेट्रा है इसके अंदर। ओके, कार्डिनल टेट्रा जो है आपको डजन में लेंगे तो 500 रुपीज़ डजन में आएगा आपको, 500 रुपीज़ डजन में। डजन में Okay. और इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की आपको टेट्रा नज़र आ रही है, जिसकी टेल जो राउंड में जो ऊपर की तरफ गई नीचे की तरफ आई हुई है, बोले उसको पोस्टर टेट्रा बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये वाली वैरायटी से, ये ब्लैक लाइन वाली जो नीचे से है ना तलवार जैसी टाइप टेल गई हुई है, वो वाली आप लोगों को पोस्टर टेट्रा अगर आप डजन में लेंगे तो आपको समथिंग 900 रुपये डजन में आएगा। ये थोड़ी सी कॉस्टली और एक्जोटिक वैराइटीज़ है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे अंबर टेट्रास है, अंबर टेट्रास जो काफ़ी खूबसूरत लगती है प्लांटेड के अंदर, रेडिश कलर का जो इसका प्लांटेड में जो कलर है वो नेचुरली आता है, तो आपको डजन में लेगा तो 500 रुपये डजन में ये भी मिल जाएगा, 500 रुपये डजन। हाँ, ये साइज़ थोड़ा बड़ा है, इससे छोटा साइज़ आता है वो थोड़ा कम में आता है। भले यहाँ पे अरे भाई रमिनोस टेट्रा है? हाँ, रमिनोस टेट्रा आपको 500 रुपये डजन में आएगी अगर आप डजन लेना चाहते हो तो। इसका इसकी जो चोट रहती है आगे की जो नोज रहता है उसको रेड नोज टेट्रा भी बुलाया जाता है। Okay. तो ये आपको 500 रुपये डजन में आएगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे देखेंगे बड़ी साइज़ की सीजर टेल टेट्रा बोलते हैं उसको, सीजर टेल टेट्रा आपको 75 पर पीस में मिलेगी, बड़ी साइज है, अगर आप क्वान्टिटी लेंगे तो आप कम पड़ जाता है, सस्ते में पड़ता है आप डजन में लेंगे तो। और अभी भी ये अपना बेटा फिश भी इसमें रख सकते हैं ना टेट्रा के साथ में? हाँ, टेट्रा फैमिली में मैंने रखा हो, काफ़ी लोगों को पता नहीं है भाई, बट उसके लिए क्या है कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, मच्छी के अंदर ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा आप बेटा रखना चाहते हो टेट्रास के लिए। नहीं तो बहुत से लोग क्या करें कि बाउल के अंदर ले जाके या फिर छोटा सा उसका वो टैंक्स होता है, बेटा टैंक्स होता है, उसमें ले जाके टेट्रा डाल देंगे तो मॉर्टेलिटी होने के चांसेस है बहुत से दुकान वाले। तो इनका कैसा प्राइस है अभी भाई? ये मेरे पास बड़े साइज़ के वीडियोज़ है, मतलब एक 1.5 इंच का साइज है लोग का। ओके, तो ये आपको डजन मिलेंगे तो 450 पर डजन में मिलेगा, 450 रुपये डजन में। हाँ, और इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स है इसमें ना? इसके अंदर मेरे पास अभी 4 कलर है, एक पर्पल कलर है, रेड कलर है, ग्रीन है और येलो कलर है इसके अंदर। Okay. इसके अलावा मेरे पास रेम्बोस की वैरायटी है, ये ब्लू रेम्बो, यहाँ पे रेम्बोस की वैरायटी दिख रही है, ये आपको 600 रुपये डजन में मिलेगा, बड़ा साइज का नियॉन रेम्बो है, ये 600 रुपीज़ ना, 600 डजन में पड़ेगा। ओके, और इसमें अगर अरे भाई थोड़ा सा अगर कम प्राइस में चाहिए तो इस अपने पास में है क्या कम प्राइस इसका? छोटा साइज लेंगे तो कम में मिलेगा, तो ये वाला कम प्राइस में मिलेगा अरे भाई? ये वाला आपको डजन मिलेगा 250 पर डजन में आ जाएगा, 250 रुपये डजन में आपको मिलेगा, छोटा साइज 250 रुपीज़ डजन में मिल जाएगा। हाँ, इसमें भी डिफरेंट कलर्स है ना? इसमें मेरे पास येलो कलर थोड़ा सा अभी है नहीं फिलहाल, बट आपको इसमें मैं 3 कलर है मेरे पास, पर्पल है, रेड और ग्रीन कलर है, फ्लोरोसेंट ग्रीन। ओके, तो आरी भाई इनको किसके साथ में रख सकते हैं ऐसा कुछ? ये वीडियो टेटर आप एंजल के साथ में रख सकते हो, रोजी बाप या टाइगर बाप्स के साथ में भी रख सकते हैं। ओके, आप इसको गोल्डफिश के साथ में भी रख सकते हैं, ट्रॉपिकल मच्छी में आप इसको इजीली डाल सकते हैं। और आरी भाई ये ग्लोइंग में दिख रहा है, ये कौन से टाइप के फिश है? ये नया लॉन्च हुआ है अभी फिलहाल इस प्रेजेंट में, थोड़ा सा टाइम हो गया, बट ये मेरे पास टाइगर बाप्स है, फ्लोरोसेंट टाइगर बाप्स है, लाइन वाला और टाइगर में, और दूसरा वाला प्लेन वाला। तो प्लेन वाला आप लेंगे तो आपको 100 रुपीज़ इंच में पड़ेगा,
ओके। अगर आप लाइन वाला लेना चाहते हैं तो आपको 600 रुपए डजन में मिलेगा। तिवारी भाई, यहाँ पे गोल्ड फिश का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है आपके पास में। गोल्ड फिश मेरे पास रेड एंड व्हाइट और गोल्ड है, और ये वाले वरांडाज हैं। वरांडाज के लिए आप लोग को प्राइस बता देता हूँ, मेरे पास 300 रुपए के पैर में, ये वाला जो है ये 300 रुपए में मिलेगा। 300 रुपए के, 300 रुपए से लेके 400 रुपए तक के पैर में मेरे पास वरांडाज है। ओके, इसमें भी डिफरेंट वैरायटीज है आपके पास में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थोड़ा सा। हाँ, क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, तो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग कलर के, अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएगा ना, इसमें मुश्किल नहीं। ओके, और भी है आरी भाई गोल्ड में अपने पास में वैरायटी? गोल्ड में एक्सोटिक के फिर इंपोर्टेड वाले हैं। तो एक्सोटिक में आरी भाई ये वाले गोल्ड बोल रहे थे आप? हाँ, मेरे पास ट्राई कलर और पांडास में गोल्ड है ये। ये वाले आपको लेंगे तो 2500 रुपीज इंच के हिसाब से, 2500 रुपीज इंच के हिसाब से। क्वालिटी भी वैसा ही दिख रहा है आरी भाई। इन लोग का टेल जो रहता पीछे का बटरफ्लाई टेल रहता, तो ये क्वालिटी अच्छी है। इसके अंदर देखेंगे वो आपको खूबसूरती, मतलब ब्लैक एंड वाइट और ट्राई कलर दोनों भी अवेलेबल हैं। ये नॉर्मल गोल्ड के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा मूविंग ज़्यादा करते, तो हिसाब से ये लोग का प्राइस इम्पोर्टेड का है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये। और अरे भाई यहाँ पे भी गोल्ड फिश दिख रहा है, ये कौन से टाइप के है? इसके अंदर ट्राई कलर से लेके अपाची गोल्ड सब है इसके अंदर मिक्स में। ये आपको 2000 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिलेगा, साइज बड़ा है लोग का। ओके, बहुत सारा यानी क्वालिटी दिख ही रही है आरी भाई की, बहुत ही प्यारी सी क्वालिटी है। कलर भी बहुत ही प्यारे से दिख रहे हैं, साइज बड़ा होता है इन लोग का, और इन लोग का टेल में डिफरेंट रहता है नॉर्मल गोल्ड फिश के मुकाबले में। इन लोग का टेल अच्छा दिखता है, दिखने में खूबसूरत ज़्यादा रहता है ये। तो ये हिसाब से इसके प्राइस है। ये वाला देखेंगे ट्राई कलर है, ये वाला देखेंगे आप अच्छी है। और आरी भाई अगर किसी को नॉर्मल गोल्ड भी लेना है कम प्राइस में तो वो भी अपने पास मिलते हैं ना? मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का वैरायटी नॉर्मल में भी है, इसके अंदर मेरे पास 30 रुपए से लेके 80 रुपए तक का पैर है। इसके अंदर 30 रुपीज पैर भी मिल जाएगा ना किसी ये को? स्मॉल साइज के 30 रुपीज पैर है, ये वाले लेंगे थोड़े बड़े साइज के अलग अलग डिफरेंट टाइप के 80 रुपए 70 रुपए भी पैर है। ओके, और इसके बाजू में जो दिख रहा है ये कोई है, कोई के अंदर इसके अंदर बटरफ्लाई कोई है मिक्स बड़ी टेल वाली, और इसके अंदर नॉर्मल रेड एंड व्हाइट कोई है। ये वाला आपको लेंगे तो 100-80 रुपीज पैर में मिल जाएगा। 100-80 रुपीज पैर में कोई किसके साथ रख सकते हैं भाई? कोई आप डॉलर के साथ में रख सकते हैं, टिम्पॉइल के शार्क के साथ में आप रख सकते हैं। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट्स सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। अरे भाई यहाँ पे भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज दिख रही है टेट्रा में, कौन कौन से टाइप के टेट्रा है आरे भाई? ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये ब्लैक फैंटम है। ओके, ब्लैक फैंटम 350 रुपये डजन में आएगा, 354 डजन में आपको। ओके, और ये वाला व्हाइट वाला? व्हाइट वाला ये व्हाइट फिन या फिर लेमन फिन टेट्रा इसको बोलते हैं, ये वाला आपको 350 रुपये डजन में मिलेगा। ओके आरी भाई, और ये वाला? ये व्हाइट फिन टेट्रा है ये वाला आपको पड़ेगा 350 रुपये डजन में। ओके, और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी यहाँ पे मॉन्टेमिनो से ऊपर बाजू मॉन्टेमिनो ये वाली ना? हाँ, ये वाली 250 रुपये डजन में पड़ेगा आपको, 250 रुपये में मिल जाएगी आरी भाई। 250 रुपये ये इजीली ब्रीडिंग हो जाता है आरी भाई ये फिश? ये टेट्रा की जो ब्रीड है ये डायरेक्ट अंडा देने वाले बच्चे देने वाले नहीं है, तो आपको इसको ब्रीड करने के लिए आपको ऊन डालना पड़ेगा नीचे। ओके ओके, आप ठीक है ना आरी भाई, इस पे भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। हाँ, टेट्रा ब्रीड कर सकते हैं। और आरी भाई ये रेड आए? रेड आए सेट आपको 300 रुपये डजन में मिलेगा। 300 रुपये डजन में ना? और कौन सी डिफरेंट वेराइटीज है आरी भाई? इसका ना कॉपर टेट्रा है ये वाला। हाँ, ये वाला कॉपर टेट्रा, ये वाला आपको 250 रुपये डजन में मिलेगा। 250 रुपये डजन में मिल जाता है ना। और आरी भाई इसमें अपना जो नियॉन टेट्रा है वो नहीं दिख रहा है? नियॉन टेट्रा ये टैंक में, सेकंड टैंक में इधर है आरी भाई। हाँ, यहाँ पे नियॉन टेट्रा है। ओके, इनका कैसा प्राइसिंग है? नियॉन टेट्रा मेरे पास एल साइज में है, ये आपको 250 रुपये डजन में मिलेगा, 254 डजन में। 250 रुपीज डजन में है ना? और ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये ब्लैक नियॉन है, ब्लैक नियॉन टेट्रा है, ब्लैक नियॉन 300 रुपये डजन में, 300 रुपये में मिल जाएगा ना। और इसमें कोरी फिश का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है आरी भाई, अल्बिनो कोरी। हाँ, अल्बिनो कोरी 75 पर पीस में, क्योंकि अभी ऑफ सीजन है तो थोड़ा खरीदी परचेसिंग महंगा है, तो हिसाब से आपको 154 पैर में मिल जाएगा। ओके, और ये वाला थोड़ा डिफरेंट भी दिख रहा है, यहाँ पे स्टर भी है, स्टर्विस भी है अपने पास। हाँ, स्टर भी आपको 125 इंच में पड़ेगा और 254 पैर में मिलेगा, अगर पैरिंग में लेना चाहते हो तो डिफरेंट ऑफ प्राइस आपका डजन पे अलग हो जाता है। ओके, और अरे भाई ये वाला ग्रीन कोरी है? यस, ग्रीन कोरी 75 पर पीस के हिसाब से, 75 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा, 75-150 पैर। ओके, और ओल्ड शॉप में आरी भाई ऑलवेज ही मॉली का कलेक्शन रहता है, और वो भी बहुत ही क्वालिटी वाले मॉली फिश का कलेक्शन रहता है, जो कि मेल फीमेल दोनों ही अवेलेबल होते हैं,
और बहुत सारे आपको रिजल्ट भी मिले हैं, लोगों ने लेके गए तो बोले कि बहुत ही जल्दी ब्रीड भी हो गया है, तो अच्छे क्वालिटी का ऑलवेज अपने पास में मॉली होता है। तो ये कैसा प्राइस है अरबी इसका? मॉली का एडल्ट साइज में लेंगे तो आपको 200 रुपये डजन में आ जाएगा। 200 रुपये डजन में आएगा ना? हाँ। और बहुत ही इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं ना? इसमें मिक्स कलर आता है, ग्रीन आता और वाइट और ब्लैक और येलो कलर। ओके। ये टेट्रा फैमिली है, टेट्रा फैमिली में ये वाला कार्डिनल टेट्रा है। कार्डिनल टेट्रा का जो सेटम्स आप लोग को बता देता हूँ, इसका आप लोग को भी पता रहेगा, बहुत से लोग मछली पालते हैं। तो जो इसका रेड लाइन जो होता है बॉडी का, जो रेड लाइन नीचे का और उसका जो ऊपर का जो ब्लू लाइन है, वो पूरा परफेक्ट एंडिंग तक होता है। और नियॉन टेट्रा में जो होता है हाफ होता है, आधा होता है। तो नियॉन टेट्रा और कार्डिनल टेट्रा में डिफरेंट है। आप डजन में लेगा तो 500 रुपये डजन में आपको आ जाएगा। ओके, ये वाला अगर लेते हैं तो 500 रुपये डजन में मिल जाएगा। रेड कलर बहुत ही प्यारा सा इसमें उभर के आता है इसके कंपेयर टू नियॉन टेट्रा। नियॉन टेट्रा के मुकाबले में इसका कलर ज़्यादा ग्लो होता है और खूबसूरती में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं ये। इसके अलावा जो आपको मेरे पास ये वाली मच्छी जो आपको नजर है, जो चाट रही कुकुम्बर ककड़ी चाट रही है, वो वाली मेरा वेस्टर्न नोज है। ओके, टेट्रा आपके पास में बहुत सारा कलेक्शन दिख रहा है। रमिनोस टेट्रा एट ए टाइम मेरे पास 200 पीस पड़ा रहता है। तो मेरे पास इसका डजन लेंगे तो 500 रुपये डजन में आपको मिलेगा। ये क्वालिटी डजन में मिल जाएगा ना? क्वालिटी अच्छा है इसका। ओके, 500 रुपये डजन में आपको मिलेगा ये। और अरे भाई, यहाँ पे जो पफर फिश है वो भी दिख रहा है। ये पी पफर है। पी पफर आपका प्लांटेड में जो आप उसको डाल सकते हो। ये मच्छी जो है कि आपको स्नेल वगैरह खा लेता है ये मच्छी, तो आप इसको आपके प्लांटेड में ऐड कर सकते हो। इसको कितने का मिलेगा अभी भाई? ये 600 रुपये डजन में आता है। 600 रुपये डजन में मिल जाएगा ना? यस। अरे भाई, ये वाले कौन से टाइप के फ्लोहॉर्न्स है? शॉर्ट बॉडी फ्लोहॉर्न है। ओके, शॉर्ट बॉडी वाला। शॉर्ट बॉडी सेमी शॉर्ट है ये। ओके, इनका प्राइसिंग कैसा है अरे भाई? 1800 में आएगा और समथिंग डिफरेंट ऑफ टाइप का अगर आप लेके 1800 से 2000 रुपये पर पीस है। और अरे भाई, अगर किसी को थोड़ा सा कम प्राइस में अगर फ्लोहॉर्न चाहिए तो मेरे पास शॉर्ट बॉडी लोकल फ्लोहॉर्न है। क्या अरे भाई? हाँ, ये वाले हैं। ये वाले। ओके, ये वाले अरबे ना? हाँ, अल्बिनो या फिर गोल्डन बेस बोलते हैं इसको। जीबी। ओके, तो ये वाले फ्लोरन आपको 300 रुपये नग के हिसाब से मिलेंगे अगर आप क्वांटिटी लेते हैं तो। 250 रुपये भी देता हूँ। तो ओके, यानी ये थोड़ा सा डिफरेंट, किसी को कुछ चाहिए फिश तो ये आराम से। शॉर्ट बॉडी जो होते हैं पैरेट के शेप में रहते हैं थोड़े से। ओके ओके, तो वो थोड़ा पैरेट टाइप दिखते हैं। बड़े भी उस तरह से होते हैं जिस तरह से पैरेट बड़ा होता है, गोल टाइप का। पालने के लिए कर्ज़ है। डॉलर्स का कैसा है अरबी? डॉलर अगर आप लेना चाहते हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स में आएगा। अगर आप 6 लेते हो 200 रुपये में आएंगे, अगर आप डजन लेंगे तो 300 रुपये में आएंगे। प्राइस कैसा है फिर? पैर में लेंगे तो आपको 250 पैर में पड़ेगा। अगर आप डजन लेंगे तो 1200 रुपये डजन में आपको आएगा। और यहाँ पे स्कैट फिश जो है अरबी? स्कैट आपको 125 इंच में पड़ेगा, 250 रुपये पैर में। अगर आप डजन में लेते हो तो आपको 1200 डजन में आएगा। और अरबी, यहाँ पे एंजल फिश दिख रहा है, ये कौन से टाइप का एंजल है? यहाँ पे मेरे पास आपको देखेंगे ना, ये रेड गिल एंजल और रेडाइज एंजल है, अल्बिनो रेडाइज एंजल है, कोई एंजल है इसके अंदर। ये आपको इन लोग का प्राइस देखो 100 रुपीज पर पीस के हिसाब से लेके, मेरे पास 200 रुपये पर पीस है, 175 पर पीस है। मतलब एक 200 रुपये से जुड़ी लेके 400 रुपये तक है, 300 वाले भी है इसके अंदर, डिफरेंट ऑफ टाइप्स क्वालिटी ये वाले। और अरे भाई, ओल्ड जो नई वाली शॉप है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज लाई है अपने एंजल फिश की, है ना? एक्चुअल क्या है, वो दुकान बड़ी है, वहाँ पे टैंक ज़्यादा है तो वहाँ पे वैरायटीज रखने का मौका मिलता है। तो इसके लिए दिख रहा है, ये कौन सा है? ये डिफरेंट नहीं है, रोजी बाब है। रोजी बाब में मैं आप लोग को बताता हूँ, एक कलकत्ता का आता है, एक चेन्नई का आता है। चेन्नई का रोजी बाब लेंगे तो आपको लाइट कलर में रहेगा, हल्का सा गोल्डननेस रहता है। और आप कलकत्ता से लेंगे तो आपको डार्कनेस ज़्यादा रहता है। अच्छे क्वालिटी का रोजी बाब लेंगे तो कलर ज़्यादा रहता है, थोड़ा कॉस्ट में डिफरेंट रहता है, थोड़ा समय का रहता है। तो इसका कैसा प्राइस है अरबी? क्या अगर आप इसको डजन में लेंगे तो आपको पड़ जाएगा 400 रुपये डजन में। 400 रुपीज डजन में? यस। और इसमें सिल्वर शार्क भी दिख रहा है? बाला शार्क, सिल्वर शार्क। हाँ हाँ, ओके। इसका अगर आप ये लेंगे तो 154 पेयर में आएगा, 150 रुपीज पेयर में। और मॉन्स्टर में कोई फिश अवेलेबल है क्या अरबी? मॉन्स्टर में मेरे पास पिरानाज एंड जायंट गुरामी। ओके, ये जायंट गुरामी ना? यस। इनका कैसा प्राइसिंग है अरबी? जायंट गुरामी आपको 250 रुपये पीस में मिलेगा, 250 पर पीस में। 250 रुपीज। हाँ। और इसमें इसके अलावा रेड शिवरम आपको 400 इंच में पड़ेगा, 400 पैर में पड़ेगा, सॉरी 200 रुपये पर पीस के हिसाब से। और अरबी, इसमें पिराना भी दिख रहा है? अल्बिनो रेडाइज पिराना है, काफ़ी रेयर होता है ये, ये थोड़ा कम आता है मच्छी। ये आपको मिलेगा, अगर आप ये लेंगे तो आपको 254 पैर में मिलेगा, 250 रुपये पैर में आएगा, 250 रुपये पैर में मिल जाएगा। Yes. और इसमें वो जो नॉर्मल वाले पिराना, नॉर्मल पिराना 150 रुपये के पैर में आते हैं, वो अलग साइज।
यहाँ पे ये दिख रहा है ना, हाँ ये नॉर्मल पिराना पाकू पिराना है, रेड वैली नहीं है, सॉरी अलाउड नहीं है रेड वैली बेचना, इसके लिए पाकू पिराना है। 150 पेयर में आएगा, साइज मिनिमम 3 इंच रहेगा इसका, 150 रुपीज पेयर में आएगा। ये भी दिखने में अच्छा दिखता है अगर इसके कलर वगैरह थोड़ा से, ये बड़ा सा इसका हो जाता मॉन्स्टर में आते ही, आप इसको ऑस्कर के साथ में रख सकते हैं। Okay. जिस तरह से मैंने यहाँ पे देखेंगे वीडियो में आपने देखा है, मैंने जाइंट गुरामी शिवरम ऑस्कर वगैरह आप इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे गुरामी भी दिख रहा है, यहाँ पे गोल्डन ब्लू गुरामी है, दो गुरामीज है, ये समथिंग 40 रुपीज इच के हिसाब से आता है, 80 रुपीज पैर के हिसाब से आपको मिलेगा। और इसमें आपने और भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज रखी है, यहाँ पे प्लेको है, प्लेको मेरे पास गोल्डन और ब्लैक वाले हैं, बड़े छोटी साइज है, 80 रुपीज से लेके मेरे पास यहाँ पे 150 to 200 रुपीज पैर के हिसाब से। अरे भाई यहाँ पे तो बड़े साइज का जायंट गुरामी दिख रहा है, जो आपने पहले साइज देखे वीडियो के अंदर उससे थोड़ा बड़ा साइज का है, वो मेरे पास 2.5 इंच का साइज है, तो ये वाला 3-3.5 इंच का साइज है। ओके, इनका प्राइस कैसे है अरे भाई? ये आपको 300 रुपये पीस के हिसाब से, 300 रुपीज पर पीस। हाँ, बड़े साइज के 3 इंच के साइज है, 125 इंच के हिसाब से पड़ेगा आपको, 250 रुपये पैर में आएगा आपको, ये 125 रुपीज पर पीस के हिसाब से ना। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लग रहा है अरे भाई। और इनको भी थोड़ा सा हाइडिंग स्पेस वगैरह देना पड़ता है अगर एक्वेरियम में रखेंगे तो? क्या होता है कि नीचे की तरफ और अंदर कोने की तरफ घुसे रहते हैं, एग्जांपल आपका ये स्पंज फिल्टर, या फिर आप इसके लिए थोड़ा सा हाइडिंग सीक बना लीजिए, पाइप वगैरह डालिए, आपके पास काफ़ी अच्छा साइज हो जाता है इसका। ये इसका साइज 12 इंच तक का साइज जाता है, 1 फीट तक का साइज जाता है, 12 इंच यानी बहुत हो गया अरे भाई, 1 फीट तक का साइज जाता है बड़ा होने के बाद। और यहाँ पे दिख रहा है अरे भाई ये शार्क, ये शार्क से ये जो कलकत्ता या फिर चेन्नई से आता है, ये ज़्यादा करके तो कलकत्ता में मिलता है ये मछली, ये आपको 60 रुपये से 80 रुपये के जोड़ी में मिलता है। अल्बिनो वाला आप लेंगे तो आपको 80 या 70 रुपये पैर में मिल जाएगा, इसके अलावा आप ब्लैक वाला लेंगे तो आपको 60 रुपये पैर में मिल जाएगा, स्मॉल साइज़ इसके लिए। ओके अरे, और इसमें बड़े भी है ना अपने पास में? इसके अलावा यहाँ पर बड़ी साइज है मेरे पास, अल्बिनो में बड़ा साइज है, अल्बिनो शार्क से, ये वाइट वाले, ये वाले आपको 200 रुपये पैर में मिलेगा, इसके अलावा 200 रुपीज पैर में बड़ा साइज का। इसके अलावा मेरे पास अल्बिनो डिम्फॉइल है, यहाँ पे 150 पैर में आ जाएगा, अल्बिनो डिम्फॉइल का साइज पैर में, और इसके अलावा सिल्वर डिम्फॉइल जो है मेरे पास वो वाले 100 रुपीज पैर में आ जाएगा आपको, नॉर्मल वाला। तो ये डिफरेंट टाइप से अल्बिनो रेड आइज होता है और टिम्फॉइल में, और ये नॉर्मल वाला ब्लैक आइज होता है, आप इसको ऑस्कर के साथ में रख सकते हो, अरवाना के साथ में रख सकते हो। टिम्फॉइल की बात करें, टिम्फॉइल आपकी, आप इसके अलावा आपको ऑस्कर में भी शार्क वगैरह चल जाता है, आपने ऑस्कर में अरवाना में भी डाल सकते हैं शार्क वगैरह, तो ये मच्छी है तो आप इसको ये मछलियों के साथ में, थोड़ा सा बड़े साइज का टैंक बना रहे हो तो ये सब फिश आप रख सकते हो। आपका 4 फुट का टैंक है या 5 फुट का टैंक है तो आप ये बड़ी साइज के होने वाली मच्छी है, ये मॉन्स्टर में आती है, बड़ी हो जाती है। इन लोग का शार्क का साइज तो मैंने 2 फीट से भी ज़्यादा चले जाता, मेरा बड़े शार्क भी हो गया आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आरिफ भाई ये वाले बोल रहे थे आप, बड़े शार्क आपके पास में है? हाँ, बिगर साइज का अगर इसका टैंक बड़ा है, मतलब मॉन्स्टर टैंक है या मॉन्स्टर मच्छी जिसको पालना है तो उसके लिए बेस्ट है ये। मेरा तो बाला शार्क भी बड़ा साइज का है, ये 1000 रुपीज़ पैर के हिसाब से आपको आ जाएगा। ओके, और बाला शार्क एकदम इतना बड़ा है कि 12 इंच का ये मच्छी है बाला शार्क, ये आपको 1500 से 2000 रुपये पैर में मिल जाएगा। मॉन्स्टर में यानी बड़े साइज में किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा इनके पास में? मॉन्स्टर के लिए काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और मच्छियाँ मिलती नहीं है तो हिसाब से ये बड़ी मच्छी। इस बार आपने बहुत ही प्यारा सा जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनका कलेक्शन लाया, इनके कैसे प्राइजेस है अरे भाई? ये जो पॉट वाले प्लांट्स है मेरे पास, जो मैंने वीडियो में बताया मेरे पास इससे पहले भी पॉट वाले प्लांट थे, वो वाले पॉट वाले प्लांट्स भी मेरे पास अवेलेबल है सस्ते वाले, वो मतलब समथिंग स्टार्टिंग मेरे पास 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक का पॉट है मेरे पास। ये जो प्लांट जो है ना मेरे पास अभी, ये जो अच्छे क्वालिटी के है इसके अंदर क्वान्टिटी ज़्यादा है, इसमें देखेंगे स्टिक ज़्यादा है, और ये जो प्लांट्स है इसके अंदर ये हाई क्वालिटी के प्लांट्स है मेरे पास, इसके अंदर इन लोग का नाम तक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप पढ़ेंगे आपको नज़र आता है इसके अंदर, देखो एरोमेटिका पर्पल है ये वैरायटी। ओके, मैं एक्चुअल क्या है, नॉर्मल प्लांट्स वाले जो आते हैं ना सस्ते वाले, यहाँ पे नाम वगैरह ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता, नाम मेंशन नहीं रहता, उसमें स्टिक कम रहती है। ओके, इसका नाम है मकरांडा नैरो लीफ वाले। हाँ, ये वाले। अब ये जो प्लांट्स है मेरे पास, इन लोग की स्टिक की क्वांटिटी ज्यादा है। ओके, है ना, क्वालिटी वाले भी है, और इन लोग की हाइट ज्यादा है, इसमें स्टिक क्वांटिटी उसमें 4-5 आती है, इसमें ज्यादा आती है। तो ये जो प्लांट्स है ये अच्छे क्वालिटी के हैं ये वाले। okay. और नॉर्मल प्लांट वाले जो आते हैं सादे वाले जो छोटे छोटे रहते हैं नॉर्मल कम, जैसे कि जब मैंने वीडियो में बताया आप लोग को स्टार्टिंग में मेरी सेकंड शॉप में रखा हुआ है 2 में रखा हुआ है प्लांट्स, वो सस्ते वाले प्लांट्स है, ये हाई कैटेगरी के प्लांट्स हैं। अगर आप इसको सॉइल में लगाना चाहें तो आप इसको
बंच में से या पॉट में से निकाल के आप इसको सॉइल डायरेक्टली लगा सकते हैं। 100 रुपीज पॉट के हिसाब से पड़ते हैं ये वाले, तो ये 100 रुपीज पॉट के हिसाब से मिलते हैं ना अभी। और यहाँ पे रेड वाले प्लांट किसी को लगाने हैं तो वो रेड मेंडे, ये सॉइल वाला प्लांट है, आपको सॉइल में लगाना है इसको, तो आपको 100 रुपीज बंच में ये वाला मिल जाएगा रेड वाला। और इसके अलावा यहाँ पे ये ग्रास की वरायटी है, ये 100 रुपीज की, ये रेड कोबम्बाज है, यहाँ पे एक्वारोज है, यहाँ पे देखेंगे लुडवी क्या, रेड लुडवी क्या, यहाँ पे ये हैग्रोफिलिया बोलते हैं इसको, या फिर इसको रेड को बकोवा भी बोलते हैं बहुत से लोग। ये पर्पल आरो वाइटिका यहाँ पे, ये देखेंगे रेड लुडवी क्या बोलते हैं इसको, या फिर रेड लुडवी के नहीं, रेड बकोवा, या फिर इसको रेड एच आर मकरांडा वगैरह बोलते हैं इसको, ये वाला भी मकरांडा में आता है। ये रेड कोकम्बाज है यहाँ पे, ये वाला लुडवी क्या है, ये ग्रीन कोकम्बाज है यहाँ पे। यहाँ पे पीछे देखेंगे ये वाला, इसमें ये सेक्शन में यहाँ पे पर्पल आरोमेटिका ये है यहाँ पे। इसके अलावा रेड फॉक्सटेल है, बनाना है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला रेड माइक्रो है। हाँ, ये टाइप्स है मेरे पास, ये वाले सब सॉइल में लगाने वाले प्लांट्स है। अमेजोन रिवर्स सॉइल डाले, लाइट लगाए वाइट वाली, ओके, फिल्टर आप हैंग ऑन फिल्टर यूज़ करो या कैनिस्टर फिल्टर यूज़ करो, बट आपको ऑक्सीजन लगाना ज़रूरी है, साइड में आप ऑक्सीजन लगा ले इस तरह से। उसके अलावा आपको लाइट चाहिए, लाइट में आप उसको हार्डवेयर में से जाके वाइट लाइट, एलईडी लाइट। बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया आपने आरी भाई इस बार भी, और बहुत ही अच्छा सा कलेक्शन है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सारी फिशेज आपने लाई है, जैसे जो फ्लोहॉर्न है, तो शॉर्ट बॉडी वाला थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लोगों के लिए लाया है कलेक्शन, उसके साथ में वो थोड़ा सा कम प्राइस में भी मिल रहा है। और भी बहुत सारी वेराइटीज है जिसमें कि जैसे गोल्ड में आपने 30 रुपीज पेयर के हिसाब से, यानी जिसको अगर कम प्राइस में चाहिए तो उनके लिए भी बहुत कुछ सोचा है इस बार इस शॉप में। एक्चुअल परी एक्वेरियम का एक ही ये है हम लोग का कि भाई हर कोई मच्छी पाले, ये नहीं कि मैं आप लोग को बोल रहा हूँ या फिर डरा रहा हूँ, ये डालो हमका डालो ढमका डालो, ये सब कुछ नहीं है। नॉर्मल मच्छी पालना है आपको, बट ध्यान रखना है, बीमारी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, वो वीडियो बनाऊंगा, आपको वीडियो दिखेगा। वो विंटर आ रहा है, विंटर के अंदर मच्छी को वाइट स्पॉट होगा, उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। वो वीडियो प्लीज़ मेरा ये वीडियो देखिए और एंड तक देखिए। मैंने मच्छियों सेलिंग के साथ साथ मैंने आप लोग को थोड़ा सा गाइडेंस भी दिया है, सिर्फ आप स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नॉलेजेबल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये तो मैं नॉर्मल डालता हूँ, पब्लिक के आते रहते हैं, भाई आजकल मालूम नहीं पड़ रहा तेरे पास कौन सा मच्छी है, क्या है, हमको मंगाना है करना है, तो हिसाब से प्राइजेस वाला डालो, ओके। तो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आपको मच्छी बीमारी के ऊपर बनाऊंगा, विंटर के ऊपर वाइट स्पॉट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सेकेंड वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, मच्छी आपके टैंक के अंदर मरती क्यों है, उसके ऊपर भी एक वीडियो, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना आरबी। आरबी भाई थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए कि आपका एड्रेस क्या है। कुड़ला ईस्ट में उतरेंगे ना आप, कुड़ला ईस्ट में, कुड़ला ईस्ट से मेरा सेकंड जो शॉप है परी एक्वेरियम, आपको स्टेशन ईस्ट में उतरना है, नेहरू नगर में, नेहरू नगर में आप उतरेंगे स्टेशन तक स्ट्रेट आना है आपको, एकदम स्ट्रेट सीधा सीधा आना है, ठक्कर बापा रोड जाता है, वो रोड से आप सीधा आएंगे ना आपको अजीत मेडिकल है, अजीत मेडिकल के बाजू में मेरा परी 2 शॉप है, वहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपको इजीली मेरी शॉप मिलेंगी। अंदर की शॉप ढूंढने के लिए काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है। और एक बात और बताऊंगा आपको वीडियो के चलते हुए, मेरा सिर्फ 2 ही ब्रांच है, इसके अलावा मेरी कोई दुकान नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि मुंबई में आपके 2 ब्रांचेस है और हाँ, वो भी कुर्ला में ही है, कुर्ला में, तो यानी अगर कोई बोलेगा कि परी एक्वेरियम की ब्रांच है तो कोई ऐसा, हाँ ये नहीं नहीं हमारा भी है, ये नहीं यही है ये नहीं, जब तक आप मेरा शॉर्ट में ना ये बता दीजिए, यानी शिपिंग का वगैरह कैसा है। शिपिंग का देखो मेरे नंबर डाले जाएंगे, 3 नंबर है, ओके, उसके अंदर एक मेरा नंबर रहेगा, मेरे भाई का है और मेरे भाई के लड़के का नंबर है, ओके, 3 नंबर रहेगा उसके अंदर, आप 3 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी मैं आप लोग को एक फाइनली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो मुझे कॉल्स आते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन मेन ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन 500 रुपये देने की बारी आती तो पब्लिक बोलती बहुत महंगा पड़ रहा है। मुंबई के मुंबई में विरार बेचता हूँ ना, विरार में, पनवेल में, या फिर बदलापुर में, या फिर ये साइड में, हम लोग की जो पब्लिक लेती बॉम्बे की पब्लिक, ये 400-500 रुपये मुझे दे देते हैं, जो भी विश्वास का खर्चा लगता है। आप अगर बैंगलोर में हो तो आपको 500-600 रुपये लगेगा, जो भी एग्जांपल आपका स्टेट है, जो भी आपको पे करना पड़ेगा, और मिनिमम आपको 3,500 का वगैरह मच्छी का प्राइस छोड़ के आपको ट्रांसपोर्टेशन आपको देना है, क्योंकि मैं भी मच्छी मंगाता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन मैं ही देता हूँ, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना आरी भाई। ओके आरी भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया, और आगे भी ऐसा ही कलेक्शन लाते रहिए आरी भाई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ब्रांचेस खोलने की, दुआ करिए और सपोर्ट कीजिए,
और चैनल को देखते रहिए। आपका चहिता आरिफ मोमिन, आपको थैंक्स इसके लिए, मुझे लाइक करते, बहुत से लोग लाइक करते हैं, मुझे प्यार करते, इसके लिए थैंक्स। ओके आरिफ भाई, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।